तो हाय हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोलेरो डीजे मोड को GTA 5 में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बोलेरो डीजे मोड की जो फाइलें होती है वो फाइल होनी चाहिए, और फिर आपको करना क्या है, फिर आपको करना कुछ नहीं है, ओपन आई वी ओपन कर लेना है जो जिससे हम मॉडिंग करते हैं। आपको सबसे पहले ओपन आई वी ओपन कर लेना है। ओपन आई वी ओपन करने के बाद इसको एडिट मोड के अंदर आपको ऑन करना है। एडिट मोड ऑन करने के बाद आपको मॉड्स में जाना है। मॉड्स के अंदर अपडेट, अपडेट के अंदर X64, फिर DLC पैक्स, और इसके अंदर जैसे आप, मैंने ये डीजे पिकअप मोड का ये बना रखा था, ये व्हीकल डॉट RPF, और इसके अंदर आपको उस डीजे मोड जो बुलेरो का जो डीजे मोड है उसकी फाइल्स है वो आपको यहां से कॉपी करके सीधा का सीधा यहीं पेस्ट कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो बुलेरो डीजे है वो यहाँ आ चुकी है। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, ये जो डीजे पिकअप का जो नाम है ना, इस नाम को आपको रीनेम करना है, और रीनेम कर दिया आपने इसको। रीनेम करने के बाद अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मॉड्स फोल्डर के अंदर वापस जाना है, अपडेट RPF कॉमन डेटा, और इसके अंदर जो DLC लिस्ट जो XML है उसको आपको एडिट मोड में ऑन करना है, और फिर यहाँ आपको ये पूरा का पूरा कॉपी करके फिर वो बीच में डीजे पिकअप लिख देना है। अपने यहाँ देखिए ये लिख रखा है अपन ने डीजे पिकअप, तो अपनी ये जो है ये इसके अंदर अपन ने सेव कर रखा है। तो अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब आपको GTA 5 ओपन कर लेना है, और अब ओपन करके देखते हैं कैसे अपनी डीजे पिकअप दिखती है। तो चले गाइस, मिलते हैं आपसे गेम के अंदर। तो अभी अपना गेम हो चुका है ऑन, और अब देखते हैं डीजे पिकअप को इसके अंदर स्पॉन करके। तो सबसे पहले आपको मेन्यू ओपन करना है। मेन्यू ओपन करने के बाद व्हीकल ऑप्शन में व्हीकल स्पॉनर जो दिख रहा है उसमें सबसे नीचे है इनपुट मॉडल, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, डीजे पिकअप लिख देना है। तो डीजे पिकअप लिखते ही अपनी जो डीजे पिकअप है वो आ चुकी है अपने गेम के अंदर। तो अब आप इसका कलर वलर जो भी है वो आप चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पेंट कर रहा हूँ ब्लैक वाइट, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कैसी लग रही है अपनी डीजे पिकअप। तो ये देखिए, ये है अपनी डीजे की पिकअप। और अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई। और अगर आपको डीजे पिकअप, अगर आपको इस डीजे पिकअप के बारे में कुछ भी पूछना हो तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का, वहां जाकर आप मैसेज कर सकते हैं और जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।